हेलो 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 कैसे हो भाई सारे बच्चे लोग शानदार हो जबरदस्त हो जिंदाबाद हो बेहतरीन हो गुड बोले गुरु जी मौज में मौज में हो ठीक है जी <coughs> एक बार भाई सारे बच्चे जो है वो सेशन को शेयर कर देना है ना शेयर कर दो भाई ना आई वॉन्ट यू टू शेयर एवरीबडी आई वॉन्ट यू टू शेयर है ना ठीक है क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें सब बच्चे जो हैं आ सके गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून भाई आ जाओ सारे के सारे है तो कल uh, <coughs> हमने शुरुआत कर दी थी बेसिक्स के बारे में सीखना राइट वी स्टार्टेड लर्निंग बेसिक्स यस्टरडे है ना शुरू कर दी थी, थी ना आज भी आज भी है ना देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कल मुझसे लिखता हूँ मेरे को क्या वैसे ऑफलाइन मेरे को लिख लिख के पढ़ाना अपने को क्या सब कुछ लिखा लिखा है उसको मजा जो है वो असली टीचिंग का तो यही है नहीं तो हम भूलने लग जाएंगे एज ए टीचर क्या भूलने लग जाएंगे ना तो मुझे वैसे पसंद नहीं आता कि सब कुछ लिखा लिखाया है और लिखे लिखाए को बस वो कर दो ना ऐसे नहीं मेरे को मजा असली मजा जो है वो टीचिंग का वो तभी है जब आप यू आर राइट ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाने में मुझे आनंद आता है ठीक है हाँ तो आ, एक सेकेंड रुक हाँ एक सेकेंड और टेलीग्राम वगैरह बता दें क्या यार टेलीग्राम बड़ा बार बार छूट जा रहा है कोई नहीं है ना टेलीग्राम वाले का पता चल जाएगा ठीक है तो आज तो मेरी वो सुबह वोकैबुलरी की क्लास हुई नहीं है राइट आज तो मेरे कुछ इशू इशू था बट बाकी ये क्लास वगैरह वोकेबलरी वाली इसमें सुबह आया करो भाई आज तो हुई नहीं आज 8:45 फोर्टी वाली क्लास जो है वो अपनी हुई नहीं है ना तो इस क्लास की कल अपन लेंगे इसको ना आज आज ऑफ था इसका कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो टेलीग्राम भी आप सब लोगों को बता देता हूँ भैया ना कि ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना भैया ना जिन बच्चों को नहीं पता है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको जो लेना ना इंग्लिश है स्टूपेंट हो इस पर तुम्हें पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी क्लास की है ना तो इसका ध्यान रखना भैया ना चलो है ना अब कल क्या हुआ ये जो मेरा स्मार्ट बोर्ड है बेसिकली इससे मैंने क्या वो वो पीडीएफ जो है सेव करना भूल गया ना तो सेव कर लेता ना मतलब जो भी मैं लिखता हूं, उसको मैं लिखता उसको क्या सेव वगैरह कर लेता हूँ तो वो सेव कल मैं कर नहीं पाया भूल भाल गया पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग से निकल गई सो बेसिकली आप लोग क्या करना बच्चे लोग कल की जो क्लास थी उसके अपने खुद से दुख पाना ना दुख पाना तो भूल ही गए हो इस पीडीएफ की दुनिया में आकर के तुम ना दुख पाना भूल गए हो ना तो अभी दुख पाना क्लास पूरी देखना और अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना ठीक है अरे नोटबुक जो होती है उस नोटबुक में बेसिकली पूरी क्लास को देख करके जैसे ऑफलाइन में करते थे ना गुरु ने लिखा तुम लिखते थे तो वैसे अपने नोट्स बना लेना भाई बेसिक्स के ना खुद से बना लेना नोट्स है ना खुद बना लेना वीडियो देख करके ना वीडियो देख करके नोट्स बना लेना मैं जो है वो बेसिकली आप लोगों को वीडियो देख करके नोट्स बना लेना मैं आप लोगों को जो है वो बेसिकली uh, uh, उसकी तो पीडीएफ नहीं आएगी आज वाली क्लास की पीडीएफ डी में सेव कर लूंगा तो मैं पीडीएफ तुम लोगों को दे दूंगा ठीक है चलो चलो भाई आगे डाल है ना आओ भाई आगे बढ़ो ना तो अब शुरू करते हैं कल वाली क्लास से आगे बढ़ना एंड कल तो जो पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं क्लियर हो गया था क्या सारे बच्चों को अरे सबको क्लियर हो गया था क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कैसे फंक्शन करते हैं उनका सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है कल की बातें सब बच्चों को याद है क्या कि हाँ सर याद है याद होनी चाहिए भाई याद दिमाग से निकलने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए है ना ये सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ विस्यू बना भी लिया तो बहुत ही अच्छी बात है ना बना लिया अच्छा ये भैया कोई अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो भैया ये ट्वेंटी फोर मंथ बारह महीने के प्लान है आ, और ये मेरा कोड है एच आर एस एच वन वन अगर मान लो तुम नहीं ले रहा हो कोई तुम्हारा मित्र बंधु ले रहा हो तो भैया तुम गुरुजी के कोड के लिए बोल बोल देना भैया ना सर का कोड लगा ले तो तुम जो है ऐसे भी जो है वो गुरु दक्षिणा दे सकते हो कि मान लो कोई लेरा कर रहा है और तुम्हारा जानकार है तो उसको बोलो कि भाई कोड लगा ले सर का कोड लगा करके ले ले लेकिन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है एंड किसी भी कैटेगरी में ले सकता है जरूरी नहीं है कि वो मतलब uh, वो किसी भी कैटेगरी में ले सकता है एस एस सी बैंक हो गया किसी भी यूपीएससी uh, हो गया आई आई हो गया किसी कोड uh, जो है वो हर कैटेगरी में लगता है ना तो किसी भी कैटेगरी में कोड लग जाता है तो उसका उसके लिए बोल देना भैया ना चलो शुरुआत करते हैं आज के बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कल जो चीजें पढ़ी थी मैंने आप लोगों को कल क्या क्या पढ़ाया था ना हमने आप लोगों को बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं कौन कौन से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं है ना उनके जो है वो बेसिकली पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा फंक्शन फंक्शन ऑफ

हमने बेसिकली ये देखा था कि एक जनरल सेंटेंस में जनरली जनरली एक जो जनरल सेंटेंस होता है उसमें बेसिकली सब्जेक्ट uh, जो होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का क्या होता है सब्जेक्ट जो होता है वो आपके डूअर होता है एक्शन का और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है ये चीज भी आप लोगों ने समझी है ना आप लोगों ने ये भी सीखा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझा कि भैया देखो सब्जेक्ट आया उसके बाद में आपके वर्ब आई जरूरी नहीं है कि उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा ना उसके बाद में कुछ भी आ सकता है ना अगर मान लो कोई नाउन और प्रोनाउन आ रहा है और वो वर्ब जो उस एक्शन का रिसीवर है वो नाउन और प्रोनाउन है ना रिसीवर हो गए नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते रिसीवर होते होते हैं तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट भी आ सकता है इसके अलावा एडवर्ब भी आ सकती है इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट ही नजर आए ना उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट नजर आ सकता है एडवर्ब नजर आ सकता है कॉम्प्लीमेंट नजर आ सकता है राइट right? कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी थी और उसको मैंने बोला था कि बाद में देखेंगे ठीक है तो ये सब चीजें जो है वो मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस करी थी ये भी बोला था कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट कर सकता है कोई समस्या नहीं है है ना इन सब चीजों के बारे में हमने कल बात करी थी अब मैं बच्चों थोड़ा सा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को सिखाए हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा है ना हाँ जी है ना ठीक है ये क्या लिख रहा है भाई अप्रोच कोचिंग सेंटर ये सेम टाइम पे होती है ना अप्रोच कोचिंग सेंटर क्या बोल रहा है भाई अप्रोच कोचिंग सेंटर सही अप्रोच लगा भाई किधर दिमाग लगा रहा है तू रिया विया क्या लिख रहा है तू है अरे ये सप्ताह को तेरा दिमाग फिर गया इस हप्ते की वजह से चार दिन निकाल ले बस चार दिन का दुख है जीवन में और कुछ भी नहीं है हाँ हाँ समझो मेरी बात को देखो भैया मेरी बात ध्यान से सुनो ये इस सप्ते के चक्कर में दिमाग को इधर उधर नहीं करना है हाँ और ये सप्ताह तो ही आते जाते रहते हैं आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य पे अपने गोल पे और आजकल जो है वो बेसिकली समझ ही नहीं आता मुझे इस सप्ताह को लेकर के चीजें समझ में नहीं आता कि मोहब्बत का सप्ताह है या सप्ते भर की मोहब्बत है ये मेरे समझ के बाहर है सुन लेना भैया गौर से बात और ना समझ सको तुम इस बात को तो भैया क्या बोले अब है ना ठीक है तो बेसिकली अब मैं एक एक करके सारे ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करूंगा ना सारे ऑफ स्पीच को डिस्कस करूंगा सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे नाउन uh, के बारे में डिस्कशन करेंगे है ना नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे इन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको डिस्कस करेंगे इनके बेसिक्स भी आप लोगों को आनी चाहिए ना देखो नाउन जो होता है दोस्तों आप आप सब लोगों को पता है कि ये दोनों ये दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में किसकी तरह काम करते हैं सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे इस बात का ध्यान रखना या तो ये सब्जेक्ट होंगे या फिर ये आपके ऑब्जेक्ट होंगे ना या तो ये सब्जेक्ट होंगे या फिर ये आपके ऑब्जेक्ट होंगे ठीक है

दो पार्ट्स में बांटा गया है ठीक है पहला एक मतलब सॉरी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन को पांच टाइप्स में बांटा गया पांच टाइप होते हैं में नाउन के कितने टाइप है पांच टाइप है फाइव टाइप्स ठीक है ये पांच टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? पांच टाइप्स है टाइप वो पांच टाइप कौन कौन से ध्यान से देखो ना सबसे पहला आप लोगों के सामने कॉमन नाउन पहला कौन सा आपके कॉमन नाउन

ब्रोक जो है वो आपके वर्ब हो गई विंडो राइट अब इसमें ध्यान से देखो ये विंडो भी आपके नाउन है तो ये नाउन आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और नाउन आपके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में आपको बेसिकली नाउन और प्रोनाउन हमेशा किसकी तरह काम करते मिलेंगे ध्यान से देखो ये दोनों नाउन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हुए मिलेंगे हरी भी आपके नाउन है और विंडो भी आपके नाउन है दोनों ही नाउन है सब आपके है ना तो ये नाउन है जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है

लाखों करोड़ों जितने भी लड़के होंगे उन सबको आप बॉय बोल सकते हो क्या जितने भी लड़के हैं इस दुनिया के अंदर उन सारों को आप बॉय बोल सकते हो क्या अच्छा। अरे बोलो भाई हा सर बोल सकते हैं बॉय बॉय सबको बोल बोल सकते हो हाँ सर बोल सकते हो हो सर ना वेरी नाइस लेकिन दुनिया में जितने भी लड़के उनको राम बोल सकते हो क्या तो राम जो है वो आपके प्रॉपर नाउन हो गया और बॉय आपके कैसा नाउन हो गया कॉमन नाउन हो गया समझ गए अरे राम आपके प्रॉपर नाउन सॉरी और बॉय आपके कॉमन नाउन गर्ल कैसा नाउन है अरे इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं हर लड़की को गर्ल बोला जा सकता है क्या बोला जा सकता है लेकिन हर लड़की को जो है वो तुम सीता बोल पाओगे क्या अरे बोलो भाई हर लड़की को तुम सीता बोल पाओगे क्या नहीं बोल पाओगे तो सीता कैसा नाउन हो गया आपके प्रॉपर नाउन हो गया समझ गए मेरी बात को अरे सीता कैसा नाउन हो गया प्रॉपर नाउन हो गया ठीक है और एग्जाम्पल लेते हैं ना आप लोगों को बताना आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन कौन सा है और प्रॉपर कौन सा कर पाओगे क्या आइडेंटिफाई मेरे साथ में आ जाओ भाई मैं कुछ नाउन लिखूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कॉमन है या प्रॉपर है समझ गए शुरू करें हाँ जी भाई मैं कुछ नाउन लिखूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है है कि वो कॉमन या प्रॉपर है तो मैंने लिखा आप लोगों के सामने ध्यान से देखना किंग किंग कैसा नाउन है बताओ जरा अरे किंग कैसा नाउन है कॉमन है या प्रॉपर है किंग कैसा नाउन है, या है? कैसा ना हाँ जी ठीक है जी मैंने लिखा आप लोगों के सामने अकबर अकबर कैसा नाउन है बताना जरा अच्छा मैंने आप लोगों के सामने लिखा जोधा जोधा कैसा नाम बताना जरा ठीक है ऐसे ही मैंने आप लोगों के सामने लिखा कैसा अच्छा, अमिताभ बच्चन के घर का नाम है ये कैसा नाम बताना जरा शाह मैंने आप लोगों के सामने लिखा सिटी ये बताना कैसा नाउन है मैंने आप लोगों के सामने लिखा इंडिया सॉरी जयपुर मैंने आप लोगों के सामने लिखा कंट्री मैंने आप लोगों के सामने लिखा इंडिया बताते जाओ भाई भाई पहला कैसा नाउन है दूसरा कैसा नाउन है कौन सा कॉमन है कौन सा प्रॉपर है क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो हाँ जी शाबाश बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया ना तो किंग जो है वो आपके बेसिकली कॉमन नाउन हो गया ना अरे भैया कैसे हुआ दुनिया में जितने भी राजा हुए होंगे ना अगर मान लो कोई जयपुर का राजा था उसको किंग बोला जा सकता है अगर मान लो कोई स्कॉटलैंड का राजा है ऑस्ट्रिया का राजा है जर्मनी का है दुनिया में जहां पे भी जो भी जितने भी राजा हुए उन सब राजाओं को, को किंग बोला जा सकता है क्या अरे सबको किंग बोला जा सकता है बिल्कुल राजा तो ये ये कॉमन नाउन नाउन हो हो गया गया है ना अच्छा लेकिन अकबर स्पेसिफिक था प्रॉपर तो दुनिया में जितने भी होंगे सबको अकबर बोल सकते हैं क्या नहीं ये किसी का नाम है प्रॉपर नाउन हो गया क्वीन कॉमन नाउन हो गया जोधा आपके प्रॉपर नाउन हो गया हाउस दुनिया में जितने भी घर होंगे जितनी भी बिल्डिंग है राइट मकान जो होते हैं जिनमें लोग रहते हैं उसको कॉमन नाउन ही हो गया हाउस है ना जलसा अमिताभ बच्चन का घर है उसके घर का नाम है प्रॉपर नाउन हो गया सिटी कैसा नाउन है कॉमन नाउन दुनिया में जितनी भी शहर होंगे चाहे वो दिल्ली दिल्ली को भी दिल्ली भी एक सिटी है कोलकाता भी एक सिटी है चेन्नई भी एक सिटी है 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 ना जबलपुर भी एक सिटी जयपुर जो है वो आपके प्रॉपर नाउन हो गया स्पेसिफिक हो गया ना कंट्री आपके कॉमन नाउन हो गया इंडिया आपके प्रॉपर नाउन हो गया ये फैन क्या है बताओ भाई अरे फैन क्या है कॉमन नाउन फैन क्या है कॉमन नाउन समझ रहे हो ना ये फैन क्या है कॉमन नाउन है ना ये ये फैन क्या है कॉमन नाउन लैपटॉप क्या है कॉमन नाउन कैमरा क्या है कॉमन नाउन सब कॉमन नाउन है 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 सब आपके ठीक फैन क्या कॉमन नाउन कैमरा क्या है कॉमन नाउन राइट मोबाइल क्या है कॉमन नाउन लेकिन फैन 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 किसका का फें. तो क्या हो गया आपके तो ओरियंट क्या हो गया ओरियंट हो गया आपके प्रॉपर नाउन नाम है ना फैन फैन का फैन का नाम हो गया ओरियंट है ना तो ये पेनासोनिक का कैमरा पेनासोनिक क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया इसी तरह

चाहिएगा? अरे ये जो ग्यारह खिलाड़ी इनको भी तो कोई नाम चाहिएगा अरे चाहिएगा नहीं चाहिएगा अच्छा क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही रुको भाई रुको रुको ये तो दिक्कत कर रहा है आजकल रुको वेट टू मिनट बच्चे ने फोन कर दिया क्लास में अभी ओके है वॉइस आ रही है नाउ कैन यू हियर मी आई गेस हम्म अभी ठीक है ना हाँ 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 अभी क्लियर अभी क्लियर हाँ थोड़ा सा तसली रखनी पड़ती हूँ अच्छा मैं पढ़ाता गया अब यार मेरी ये प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा क्या है कम देखता हूँ है ना आई एम जब मैं टीचिंग वाले फ्लो में आता हूँ ना तो फिर मैं खो जाता हूँ उसमें ना मतलब मुझे फिर ये ध्यान नहीं रहता कमेंट वमेंट पे थोड़ी अपनी अभी मैं चेक करता हूं कहा अटक गया था ठीक है ओके 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 तो मेरे को जहां तक लग रहा है आप लोगों को ये ये वाली बात क्लियर है ये यहां तक की बात क्लियर है क्या बोलते हैं जिसको आ, 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 आ। यहाँ तक की चीज क्लियर है क्या नाम कॉमन और प्रॉपर नाउन तक की बात क्लियर है ना इससे आगे बढ़ते हैं देखो मैं बात कर रहा हूं आपके कलेक्टिव नाउन के बारे में ठीक है तीसरे टाइप के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है आपके कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन क्या होती है कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करती है कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है प्लेयर पहला प्लेयर दूसरा प्लेयर तीसरा प्लेयर टोटल ग्यारह प्लेयर है कोई नहीं दो मिनट दो मुझे अब आ रही है क्या आवाज ठीक है ठीक है भगवान जाने क्या हो रहा है मैं तो परेशान हो गया इससे आज तो, तो दुखी करके रखा है अभी सही लग रहा है मेरे को लग रहा है अब आ रही आवाज ठीक है अभी ठीक है, अब आ रही है क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई कोई नहीं पढ़ाते हैं बेचारे एक आधे बच्चे आधे बच्चे तो इधर उधर हो गए कोई नहीं कोशिश करते हैं दोबारा जाना कल इसका देखेंगे यार ये मेरा लैपटॉप ना बहुत ही ज्यादा है। हैंग वैंग कर रहा है तो तो इसने बड़ी परेशानी सी पैदा कर रखी है कोई नहीं इसका देखते हैं कुछ क्या करना आ, तो आ, दोस्तों इधर देखो भाई मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस कर रहा था मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था

लोगों का कलेक्शन और पर्सन का कलेक्शन कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल तो लोगों का जो कलेक्शन हो या फिर जो चीजों का कलेक्शन हो उसको हम जब एक यूनिट के रूप में रख करके कोई नाम दे दें राइट तो उसे ही हम आपके क्या बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं समझ गए मेरी बात को तो जैसे कि मान लो प्लेयर्स है ना खिलाड़ी है प्लेयर्स का कलेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहलाता है टीम कहलाता है ना जब दस ग्यारह खिलाड़ी साथ मिलकर के एक यूनिट बना करके खेलते हैं दूसरे दस